नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। लक्ष्यभेदी हमले का श्रेय देश की 125 करोड़ जनता को। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मुंबई में कहा कि विगत दिनों हुए लक्षित हमले का श्रेय सेना के साथ ही देश की 125 करोड़ जनता को मिलना चाहिए। पर्रिकर ने कहा कि हमने आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दी है और 30 साल का गुस्सा 29 सितंबर को निकाल दिया। उन्होंने लक्ष्यभेदी हमले का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा के मुद्दे पर आलोचना भी सरकार को मिलती है और श्रेय भी सरकार को ही मिलता है, क्योंकि इन सब के लिए वह जवाबदेह होती है। पंपोर में 60 घंटे चली मुठभेड़, दो आतंकवादी मार गिराए। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंपोर की एक सरकारी इमारत में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन तीसरे दिन बुधवार को समाप्त हो गया। करीब 60 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादी सोमवार को उद्यमिता विकास संस्था की इमारत में घुस गए थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा, पाकिस्तान विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए भारत ने कहा है कि परमाणु प्रसार की जारी गतिविधियों पर पाकिस्तान की स्पष्ट छाप है और राज्य तथा राज्यतर तत्वों के गठजोड़ के तहत विखंडनीय सामग्री का बेलगाम विस्तार अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन के काउंसलर सिद्धार्थनाथ ने कहा कि परमाणु हथियारों की आपूर्ति प्रणाली का बेरोकटोक विस्तार और आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा शांति और स्थिरता की राह में सबसे बड़ा खतरा है। केरल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या। एक सनसनीखेज घटनाक्रम में केरल के पिनराई में बुधवार को भाजपा के एक 25 वर्षीय एक कार्यकर्ता की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। यह घटना जिले में माकपा के कार्यकर्ता की हत्या के दो दिन बाद हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान प्रिनिच के रूप में की गई है तथा यह घटना पिनराई में एक पेट्रोल पंप के नजदीक सुबह करीब 10:30 पर हुई। पिनराई मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का गृह जिला है। दक्षेश में भारत के दबदबे को तोड़ना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का आरोप है कि 8 सदस्यीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ पर भारत का दबदबा है और इसका कहना है कि इसे तोड़ने के लिए वृहद दक्षिण एशियाई आर्थिक समूह बनाने की जरूरत है। अमेरिका में गत सप्ताह वाशिंगटन के 5 दिवसीय दौरे पर गए पाकिस्तान के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने यह बात कही। पाकिस्तान के सांसद मुशाहिद हुसैन सैयद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक वृहद दक्षिण एशिया का पहले ही निर्माण हो रहा है। इस वृहद दक्षिण एशिया में चीन, ईरान और पड़ोसी मध्य एशियाई देश शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।